नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ, तो शुरू करते हैं। एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर चर्च के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर ईश्वर से कुछ मांग रहा था। कपड़ों में मैल लगा हुआ था मगर निहायत साफ, उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने ईश्वर से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने बढ़कर उसका नन्ना सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा तुमने ईश्वर से? तो बच्चे ने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग। मेरी माँ रोती रहती है, उसके लिए सब्र। मेरी बहन माँ से कपड़े सामान मांगती है, उसके लिए पैसे। फिर अजनबी मुसाफिर ने स्वाभाविक सा सवाल पूछा, तुम स्कूल जाते हो? बच्चे ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हाँ जाता हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता हूँ, माँ चने बना देती है, मैं स्कूल में बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। फिर अजनबी ने पूछा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार? पता नहीं, माँ कहती हैं गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है कि मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं हमें देखती रहती है, जब कहता हूँ माँ तुम भी खाओ तो कहती हैं मैंने खा लिया था, उस समय लगता है कि झूठ बोलती है। अब अजनबी को उससे बात करने में अपनापन लग रहा था, तो उसने फिर से पूछा, बेटा अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? बच्चे ने कहा, बिल्कुल नहीं। क्यों? अजनबी ने फिर पूछा। पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल, हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर बच्चे ने कहा, हर संडे इसी चर्च में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा, अंकल जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों बेसहारों को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। किसी की एक बार बिना किसी स्वार्थ सहायता करके तो देखिए आपके मन को कितनी खुशी मिलेगी और आपके परिवारों को लाखों दुआएं। चर्च, मंदिर या मस्जिद में सीमेंट या अन्य की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लेना, शायद उसको आटे की बोरी की ज़्यादा ज़रूरत हो। किसी की सहायता करने का एक बार प्रयास जरूर कीजिए। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि मुझे तो खुद ही सहायता की ज़रूरत है, मैं कैसे किसी की हेल्प कर सकता हूँ? तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी की सहायता करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। आपका मन होना चाहिए, आपके अंदर हेल्प करने की फीलिंग होनी चाहिए। जैसे आप किसी की सहायता के लिए उसे अपना थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं या किसी के पढ़ने में सहायता कर सकते हैं, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम को दूर करके भी आप लाइफ के सुपर हीरो बन सकते हैं। बस कुछ समय के लिए एक गरीब बेसहारा की आंख में आंख डालकर देखें आपको क्या महसूस होता है। फोटो या वीडियो भेजने की जगह ये मैसेज कम से कम एक बार शेयर जरूर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।